नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी और वक्त हो गया है 5W1H का। 196 देशों के प्रतिनिधियों को पीएम मोदी ने आज पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। ग्रेटर नोएडा में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने प्लास्टिक के इस्तेमाल से दूर रहने की सलाह दी। दो साल पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का आयोजन चीन में हुआ था। इस बार कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की मेजबानी भारत को मिली है। आज सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि 2030 तक भारत 2.6 करोड़ हेक्टेयर बंजर जमीन को उपजाऊ बना लेगा, जबकि 2015 से 2017 के बीच भारत में 8 लाख हेक्टेयर तक वन क्षेत्र बढ़ाया गया है। ओम दयो हो शांति ही, अंतरिक्ष शांति ही, पृथ्वी ही शांति ही, आप शांति ही, औषधय शांति ही, वनस्पतय शांति ही, विश्वे देवा शांति ही, ब्रह्म शांति ही, सर्व शांति ही, शांतिरेव शांति ही, सामे शांतिरेधि, ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट डेजर्टिफिकेशन अफेक्ट्स ओवर 2/3 ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दिस मेक्स ए कंपेलिंग केस फॉर एक्शन ऑन लैंड फ्रंट। कंबाइन दिस विद द वॉटर क्राइसिस फेसिंग द वर्ल्ड। यूनिक डिजाइन COP14 का उद्घाटन 2 सितंबर को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। इस सम्मेलन में अभी तक दुनिया भर के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं और उससे निपटने के उपायों पर चर्चा कर चुके हैं। 13 सितंबर तक चलने वाले COP14 में मरुस्थल बढ़ने से रोकथाम की मुहिम को लेकर बड़ा रोड मैप सामने आ सकता है। कश्मीर पर पाकिस्तान की एक और इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। ईरान ने पाक कॉन्सुलेट से उन पोस्टर्स और बैनर्स को हटा दिया है जो भारत विरोधी थे। ईरान ने पाकिस्तान को नसीहत दी है, वहीं भारत को अपना दोस्त बताया। ईरान ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में अपना संदेश दे दिया है। ईरानी अधिकारियों ने 15 अगस्त को उत्तर पूर्व शहर मशहद में पाकिस्तानी दूतावास की दीवारों पर लगे भारत विरोधी पोस्टर हटवा दिए हैं। 15 अगस्त को तथाकथित कश्मीर सॉलिडेटरी डे पर ये पोस्टर्स लगाए गए थे, लेकिन आधी रात को स्थानीय पुलिस ने सभी पोस्टर हटा दिए। ईरान ने पाकिस्तान से सवाल किया कि अगर इस्लामाबाद में ईरानी मिशन की दीवारों पर सऊदी अरब के खिलाफ पोस्टर लगाए जाएं, तो क्या पाकिस्तान इसकी इजाजत देगा। इस घटना से पहले भी पाकिस्तानी दूतावास और विदेश में रह रहे पाकिस्तानी लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। पिछले हफ्ते पाकिस्तानी नागरिकों और खालिस्तानी समर्थकों ने लंदन में भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन किया था। लंदन में पाकिस्तानियों की ओर से किया गया ये दूसरा बड़ा प्रदर्शन था। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर साफ किया है कि देश में एक भी घुसपैठिए को नहीं रहने दिया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक में अमित शाह ने ये बात दोहराई है। अमित शाह ने NRC की फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद पहली बार असम दौरे पर इस बात को कहा। गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से साफ किया है कि देश में एक भी घुसपैठिए को रहने नहीं दिया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक में अमित शाह ने ये बात दोहराई है। NRC की फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद गृहमंत्री पहली बार असम दौरे पर हैं। शाह ने आरोप लगाया कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितना भी आतंकवाद था, उस समस्या को सुलझाने के लिए कांग्रेस ने कभी कोशिश नहीं की, बल्कि समस्या को ज्यादा गहरा बनाया। शाह ने कहा कि नागालैंड भारत का हिस्सा है, यहाँ के हर नागरिकों का पूरे भारत पर अधिकार है। इस भावना को अगर हर नागरिक तक पहुंचाना था तो ये बहुत जरूरी था कि नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस से मुक्त बने। गृहमंत्री ने असम में NRC का जिक्र करते हुए कहा कि असम ही नहीं बल्कि पूरे देश को घुसपैठियों से मुक्त कराया जाएगा। उनको लगता है कि NRC के अंदर काफी लोग छूट गए और गहनता से NRC का काम होना चाहिए और छोटे छोटे राज्यों की चिंता यहाँ से जो निकलते हैं वो हमारे यहाँ ना आए। एक भी घुसपैठिया आसाम के अंदर रह भी नहीं पाएगा और दूसरे राज्य में घुस भी नहीं। मुझे तो बड़ा आघात लग गया। नागालैंड में योगी थे, उस वक्त के नागालैंड के CM ने मुझे भोजन दिया। उनके एक मंत्री ने कहा मैं कल ही भारत से आया। मुझे बड़ा आघात लग गया, आपको हंसी आती है, मुझे दुख हुआ। कब भारत से आए उनका क्या मतलब है? नागालैंड जाना है? नागालैंड भी भारत का ही हिस्सा है, हर नागा का पूरे भारत पर अधिकार।
गृह मंत्री के असम दौरे का आज आखिरी दिन है। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NEDA का चौथा कॉन्क्लेव भी शामिल है।